बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर इकरा जावेद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम फेज़ 4 डिस्कस करेंगे, फुल लेंथ पेपर मैथमेटिक्स का। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQs है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 -√3 आयोटा इज। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। y की वैल्यू -√3 और x की वैल्यू -1, तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इज, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3 आयोटा। z इज इक्वल टू -3 आयोटा। नेक्स्ट 1/z आ जाएगा 1/-3 आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, +3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 आयोटा। नेक्स्ट है इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन, तो हम इसका रूट लेट कर लेते हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब हमारे पास प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 = c/a। ए दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a = c। नेक्स्ट है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश ऑफ दी अदर, तो इसका आंसर है स्केयर ऑफ दी अदर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इन रेडियस आर ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो हमने स्मॉल आर का फार्मूला पढ़ा था डेल ओवर एस, c1 ऑप्शन। रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, तो इसका फार्मूला होगा हमारे पास, यानी ये r1 के फार्मूला की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेल ओवर एस माइनस ए। इफ़ द इनिशियल रेट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंगल सो फॉर्म्ड इज सेट टू, तो अगर हम रोटेट करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो हमारे पास ये 360 डिग्री के इक्वल आएगा, यानी हमारे पास एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है 450 डिग्रीज को टर्मिनल ऑफ 90 डिग्री 2 cos 5 θ sin 3 θ इज़ इक्वल टू, तो हमने फार्मूला पढ़ा था 2 cos α sin β इज़ इक्वल टू sin α + β -sin α - β, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin 8 θ -sin 2 θ। नेक्स्ट है sin 2 θ इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो sin दूसरी तरफ जाके sin inverse 1 हो जाएगा, 2 θ इज इक्वल टू sin inverse 1। sin inverse 1 हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, 2 θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ tan x/3 इज, तो tan x/3 + π tan(x)(1/3) कॉमन लेंगे x + 3π, तो हमारे पास इसका पीरियड आ जाएगा 3π। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos x इज, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, -∞ से +∞। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p फॉर विच f(p+x) इज इक्वल टू f(x) इज कॉल्ड, जिस पर यानी उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए जिसे हम फंक्शन में पुट करें तो दोबारा हमारे पास वही फंक्शन आ जाए, तो ये हमारे पास पीरियड कहलाता है। द एक्सप्रेशन cos inverse (−x) इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो इसका आंसर है हमारे पास π - cos inverse (x). 17 है इफ़ x इज इक्वल टू sin inverse -1 देन x इज इक्वल टू, तो sin inverse -1 - π/2। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ sin (cos inverse) 1/√2 cos inverse 1/√2 फाइंड करेंगे तो वो 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। sin 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। नेक्स्ट पीरियड ऑफ cos x/5 इज, तो उसका आप पीरियड फाइंड करेंगे तो 10π आ जाएगा। लास्ट वन इज 2 sin 12 degree sin 46 degree, तो ये हमारे पास फार्मूला था -2 sin α sin β इज इक्वल टू cos α + β - cos α - β। अब यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा cos 34° - cos 58°।